कोविड केसेस की वजह से कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से एक बैठक करी और अलग अलग राज्यों को आगे बढ़ते हुए कोरोना को रोकने के लिए, कोरोना के केसेस को बढ़ने से रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसके लिए अलग अलग राज्यों और उनके मुख्यमंत्रियों को कई हिदायतें दी। हमें इस बात की खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली ने जो अनेकों कदम उठाए हैं कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, कोरोना को सफलतापूर्वक, जो कोरोना की फर्स्ट वेव थी उसको जिस तरह से दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के लोगों ने कंट्रोल किया, जो कदम उठाए, आज प्रधानमंत्री जी वो सारे कदम पूरे देश को उठाने को कह रहे हैं। तो हमें इस बात की खुशी है कि जिस तरह अलग अलग फील्ड्स में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा हो, जिस तरह से दिल्ली मॉडल को पूरे देश में पहचाना जा रहा है और अलग अलग राज्यों में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, हमें इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने कोविड को कंट्रोल करने के लिए भी दिल्ली मॉडल को पहचाना है। तो ऐसे क्या कदम हैं जो दिल्ली सरकार ने उठाए थे जो आज प्रधानमंत्री जी सारे मुख्यमंत्रियों को उठाने के लिए कह रहे हैं? सबसे पहला कदम, होम आइसोलेशन। दिल्ली सरकार पहली ऐसी सरकार थी जिसने अग्रेसिव रूप में होम आइसोलेशन की शुरुआत करी, जिसने कहा कि जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, जो माइल्ड पेशेंट्स हैं, उन्हें अस्पताल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो घर में आइसोलेट हो सकते हैं। उनको घर जाके समझाया जाता था हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स द्वारा कि किस तरह से आइसोलेशन मेंटेन करना है, उन्हें सरकार द्वारा ऑक्सीमीटर दिया जाता था और सरकार ने एक टेलीमेडिसिन कंपनी को हायर किया था जो रोज़ इन पेशेंट्स को कॉल करती थी और उनके स्वास्थ्य का अपडेट लेती थी और जिनके डॉक्टर्स को हमारे जो दिल्ली में रहने वाले पेशेंट्स हैं, जो होम आइसोलेशन के पेशेंट्स हैं, उनसे किसी भी वक्त संपर्क कर सकते थे अगर उन्हें कोई भी अपने स्वास्थ्य को लेके सवाल हो, क्योंकि कोरोना के दौरान पेशेंट परेशान भी होता है कि अब थोड़ा बुखार उठ गया, ऑक्सीजन गिर गया, तो उनको हमने एक एक्सेस दिया था, उनको एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर दिया था जो कोरोना पेशेंट्स के लिए था। हालांकि उस समय आप सबको ये भी याद होगा कि 19 जून को हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस होम आइसोलेशन को खारिज भी कर दिया था, बंद भी कर दिया था और 5 दिन का कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन शुरू किया था, और जिसकी वजह से जून के उन दिनों में दिल्ली में त्राही त्राही भी मच गई थी, क्योंकि लोग अपने घरों में रह के आइसोलेट होकर ठीक होना चाहते थे, ज़बरदस्ती किसी क्वारंटाइन सेंटर या हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे। ना सिर्फ इतना, उस समय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, केंद्र सरकार ने जो टेलीमेडिसिन कंपनी हमारे सारे होम आइसोलेशन पेशेंट्स की मॉनिटरिंग कर रही थी उसके कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल कर दिया था। हालांकि उस समय भी कुछ ही दिन के बाद केंद्र सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़े, क्योंकि होम आइसोलेशन कैंसिल करने की वजह से पूरे शहर में लोग परेशान हुए। लेकिन आखिरकार आज हम ये कह सकते हैं केंद्र सरकार के बारे में, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, कि आज केंद्र सरकार भी पहचान रही है कि होम आइसोलेशन कितना ज़रूरी कदम है कोरोना को मैनेज करने के लिए और कंटेन करने के लिए। ये इसलिए ज़रूरी कदम है क्योंकि अगर पेशेंट्स होम आइसोलेशन में रहते हैं, माइल्ड पेशेंट्स, तो आप पे हॉस्पिटल्स पे लोड कम पड़ता है। दूसरी चीज़, और जो भी होम आइसोलेशन से जुड़ी हुई है, बहुत सारे लोग कोरोना के टेस्ट करवाने से इसलिए कतराते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि फिर हमें ज़बरदस्ती अस्पताल भेज दिया जाएगा, हमारे घर के सामने एक एम्बुलेंस आएगी, डॉक्टर आएंगे, पुलिस वाले आएंगे, हमें उठा के उस वैन में भर के किसी क्वारंटाइन सेंटर या अस्पताल भेज देंगे। जब दिल्ली ने होम आइसोलेशन शुरू किया
तो लोगों में ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई कि हम अपना टेस्ट करवा सकते हैं और अगर हमें कोरोना हुआ भी तो शांति से अपने घर में ठीक भी हो सकते हैं। और यही कारण था कि दिल्ली मॉडल का दूसरा कंपोनेंट अग्रेसिव टेस्टिंग दिल्ली में हम सक्सेसफुली कर सके, क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस हमने दिया कि भाई टेस्ट करवा लो, कोई आपको परेशान करने नहीं आएगा, आप अपने घर में ठीक हो सकते हैं। और यही कारण है कि शुरू से सबसे ज़्यादा टेस्ट पूरे देश भर में दिल्ली में ही करवाए गए हैं। चाहे जून में वो आंकड़ा 13,000 से 22,000 टेस्ट पर डे था, और आज जब पूरे देश में 13 लाख टेस्ट पर डे हो रहे हैं, उसमें से 1 लाख टेस्ट पर डे सिर्फ दिल्ली में हो रहे हैं। तो ये दिल्ली मॉडल का दूसरा कंपोनेंट यानी अग्रेसिव टेस्टिंग। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।